हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। दिस इज काजल कुशवाहा। सो आई एम हियर विद द क्लास 12। गाइस, यहां पे आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बेस्ड आपके ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है गाइस, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है, यानी व्हाट इज मेंट बाय बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। ऑप्शंस आर नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क। सेकंड है आपका नेटवर्क में प्रयुक्त क्लास आईपी, यानी क्लास आईपी यूज्ड इन नेटवर्क। थर्ड इज संचार चैनलों की संचरण क्षमता, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। फोर्थ इज नंबर ऑफ पोर्ट्स इन द कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, कंप्यूटर में पोर्ट की संख्या। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क में बैंडविड्थ। ठीक है गाइस, बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ इज द डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या होता है, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, ये कैसे, इसको हम डिफाइन करते हैं बिट्स पर सेकंड। ये याद रखिएगा, ये किसमें होती है, बीपीएस, यानी बीट्स पर सेकंड। ठीक है, मैंने क्या बताया, देखिए इस मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से पहला माइक्रोप्रोसेसर कौन सा था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन आर यूनिवेक, एबीसी, आईबीएम 205 एंड इंटेल 4004। ठीक है गाइस, ये आपका सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, इंटेल 4004, ये आपका सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर था। गाइस, अगर बात करें इंटेल 4004 की तो ये क्या है, आपका एक 4-bit सीपीयू था, यानी 4-bit सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। ये सीपीयू आपका रिलीज किया गया था किसके थ्रू, इंटेल कॉर्पोरेशन के थ्रू। किसके थ्रू रिलीज किया गया था, इंटेल कॉर्पोरेशन के थ्रू। कब रिलीज किया गया था, 1971 में। कब, 1971 में। गाइस, ये आपका पहला ऑप्शन जो है आपका यूनिवेक, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। आपके पास पेन हो तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। ये है आपका यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड एक्यूएटेड कंप्यूटर। ठीक है, आपका ये जो सेकेंड ऑप्शन है एबीसी, इसका भी मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रही हूँ कि आपका एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। क्या, आपका एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। तो आपका थर्ड है आपका आईबीएम 205, ये तो आपको पता होगा। आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इंटेल का भी फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रही हूँ, इंटेल आपका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिग डेटा का महत्व है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा। ऑप्शन आर लागत में कमी, यानी कॉस्ट रिडक्शन। सेकेंड इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, यानी नया उत्पाद विकास और स्मार्ट निर्णय लेना। थर्ड क्या कह रहा है, कट डाउन ऑन टाइम, यानी समय में कटौती। फोर्थ क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है गाइस, आपका बिग डेटा क्या करता है, बिग डेटा हेल्प्स कंपनी टू जनरेट वैल्यूएबल इनसाइट, यानी ये कंपनीज को हेल्प करता है वैल्यूएबल चीज को इनसाइट करने की, यानी वैल्यूएबल चीजों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये कंपनी आपके बिग डेटा को यूज करती है रिफाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कोई भी चीज उसको रिफाइन करने के लिए। कट डाउन ऑन टाइम, ठीक है, करता समय में कटौती करता है, समय में कटौती करता है, जो उसका वैल्यूएबल समय होता है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर टी जो कि सी के पहले लिखा हुआ है, यानी कट डाउन ऑन टाइम, ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है SSL, यानी SSL का पूरा नाम क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ SSL। ठीक है, ऑप्शन आर सिक्योर सीक्रेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। बी है आपका सिक्योर सॉकेट सिक्योर लेयर। सी है आपका सिक्योरिटी सॉकेट लेयर एंड डी है आपका नेट। ठीक है गाइस, बात कर रहे हैं आपका SSL की, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। क्या होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। गाइस, अगर हम बात करेंगे, आपने अगर लेयर्स पढ़े होंगे, जो आपके 7 लेयर होते हैं नेटवर्क ट्रांसमिशन सर्किट की, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में आता है। किसमें आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेवा कर को छोड़कर आईएमपीएस में प्रति लेन देन के लिए निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क कितना है, यानी व्हाट इज मैक्सिमम सर्विस चार्ज प्रिस्क्राइब्ड पर ट्रांजेक्शन इन आईएमपीएस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शन आपका रुपीज 5, रुपीज 25, रुपीज 2.50, ढाई रुपए। डी है आपका ऑप्शन 15 रुपए। ठीक है,
गाइस यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, आईएमपीएस की बात कर रहे हैं। तो आईएमपीएस में आपका कितना टैक्स हो जाएगा, ठीक, कितना आपको चार्ज देना पड़ता है, वो आपका हो जाएगा मिनिमम आपका मैक्सिमम कितना, 15 रुपए, कितना 15 रुपए। गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगी आईएमपीएस का मैंने कई बार फुल फॉर्म बताया है, तो जो स्टूडेंट है यहाँ पे कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आईआईओटी का पूरा नाम क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आईआईओटी। गाइस आईआईओटी का फुल फॉर्म में देखिए ऑप्शन क्या क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी आपका इंटरनेट इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स, सी आपका इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी है ना, ठीक है। गाइस आपका आईआईओटी का फुल फॉर्म होगा आपका ए, ए क्या, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईआईओटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विंडोज 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि को निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करके बदला जा सकता है, यूजिंग यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन द बैकग्राउंड ऑफ द लॉक स्क्रीन इन विंडो 10 बी चेंज। ऑप्शन आर लॉक स्क्रीन, बैकग्राउंड, लॉक डेस्कटॉप एंड फ्रंट। गाइस आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि यानी लॉक स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। गाइस उसको आप कैसे चेंज करोगे, लॉक स्क्रीन से ही आप चेंज करोगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी कोड। गाइस अगर हम क्या करते हैं, किसी को भी अगर आप उसके बैंक के थ्रू अगर आपको कोई भी पैसा है मनी ट्रांसफर करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, उसके आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर की, ठीक है। ऑप्शन है आपके 10, 11, 15 एंड 16। गाइस आपका जो आपका आईएफएससी कोड होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, इसमें नंबर्स भी होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। आपका आईएफएससी का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, मैं ये भी फिर से बता देती हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्या, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ये आपका कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। ऑप्शंस आर Ctrl+K, Ctrl+G, Ctrl+Shift+K एंड डी इज नन, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या, Ctrl+K आप प्रेस करोगे क्या होगा, हाइपरलिंक सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है, दैनिक आधार पर परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स शुड बी यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। ऑप्शंस आर रो चार्ट, बी इज कॉलम चार्ट, सी इज पाई चार्ट एंड डी इज लाइन चार्ट, ठीक है। गाइस अगर बात करें कि चार्ट हमें किस चीज के लिए बनाना है, डेली डेली जो भी आप काम करते हो, डेली आधार की परियोजना को, प्रगति को, यानी जो भी आप इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हो उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट बनाएंगे, ठीक है। लाइन चार्ट बनाएंगे मतलब एक एक बारी बारी से उसको दर्शाएंगे जिससे हम इसको इजिली दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है। गाइस बहुत बार पूछा गया है तो इसको हम एकदम रट लो दिमाग में, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन है आपका .odt, .ods, .odp एंड .odn। गाइस इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, .ods, ठीक है। याद रखना लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए आपका एक्सटेंशन होता है .ods, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट्स होल्ड टेक्स्ट कॉल्ड। ऑप्शंस आर प्लेस होल्डर्स, बी ऑब्जेक्ट होल्डर्स, सी ऑटो लेआउट एंड डी टेक्स्ट होल्डर्स, ठीक है। गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट्स होल्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को जो होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही था उसका। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए हुए इनपुट को खोजता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सर्चेस द गिवन इनपुट ऑफ फॉर अ पैटर्न, ठीक है। ऑप्शंस आर कैट सर्च, ग्रेप शॉट, ठीक है। तो गाइस ये सारे आपके प्रोग्राम है, क्या है, कैट सर्च ग्रेप शॉट। इसमें क्या पूछा गया है, में से कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए हुए इनपुट को खोजता है, यानी एक तरह का ही आपका सर्चिंग का ही प्रोग्राम, ठीक है।
यहाँ पे ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम काम आता है, ग्रेप, या क्या आपका GREP। इसका फुल फॉर्म भी मैं बता दे रही हूँ आपको, फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। क्या है आपका? ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोल रहा है, भारत में NEFT की सुविधा किस वर्ष से शुरू हुई? इन विच ईयर NEFT फैसिलिटी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन आर 2002, बी 2005, सी 2009 एंड डी 2011। गाइस, भारत में NEFT आपका 2005 से स्टार्ट किया गया था। कब से? 2005 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। NEFT का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो मैं बता दूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज कॉल्ड गोइंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अंदर वेबसाइट ऑन इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन है आपके डाउनलोडिंग, बी आपका सर्फिंग, सी आपका अपलोडिंग एंड डी है आपका नेट। गाइस, अगर आपको कहीं भी आप देखोगे कि कई लोग अपना इंटरेस्ट बताते हैं नेट सर्फिंग करना, ठीक है, और कोई भी कहते क्या करते हैं, नेट सर्फिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक एक वेबसाइट से अदर वेबसाइट पे जाने पे क्या होता है, नेट सर्फिंग करते हैं, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, NUUP का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। ऑप्शन आर नानो यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, बी कह रहा है नेचुरल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, सी कह रहा है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म एंड डी कह रहा है नेशनल यूनिक USSD प्लेटफॉर्म। गाइस, इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, जो कि क्या है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है। गाइस, ये आपकी जो होती है NUUP आपका *99 हैश सर्विस होती है। दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू UPI। ये प्लेटफॉर्म में क्या प्रोवाइड करती है, UPI प्रोवाइड करती है। UPI क्या होता है, जो हम लोग कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, क्या होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है UPI का फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक्सेस टू UPI सर्विस अदर टू USSD प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है, यानी व्हाट डज ऑल्ट शिफ्ट एंड राइट शॉर्टकट की डू, ठीक है। ऑप्शंस आर डीमोट, बी प्रमोट, सी अप एंड डी डाउन, ठीक है। गाइस, आपका ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट से क्या होगा, डीमोट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव को निम्न में से किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोरेज इज कंसीडर्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शंस आर नॉन परमानेंट, सी बी आपका नॉन वॉलेटाइल, सी आपका टेम्पररी एंड डी आपका फ्लैश, ठीक है। गाइस, बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सेकेंडरी की, यानी आपको क्या हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉरी सेकेंडरी नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं। तो नॉन परमानेंट और टेम्पररी और फ्लैश हम नहीं कह सकते, ये आपका क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। क्या होगा आपका, ये नॉन वॉलेटाइल टाइप का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पेपाल का नाम बोलचाल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ पेपाल यूजिंग पॉलीडेक्ट, ठीक है। ऑप्शन आर वर्चुअल वॉलेट, बी ऑनलाइन वॉलेट, सी कैश ऑनलाइन एंड डी नो चॉइस, ठीक है। गाइस, हम पेपाल को क्या बेसिकली क्या किस तरीके से बोल सकते हैं, वर्चुअल वॉलेट, यानी आपका वर्चुअली आपके पास एक वॉलेट है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा टूल लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेन्यू में विकल्प होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज एन ऑप्शन इन द टूल्स मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। ऑप्शन आर ड्रॉइंग, एरोस, एडिट एंड ऑटो टेक्स्ट। ऐसे यहाँ पे आपको ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आप किसे मिल जाएगा, टूल मेन्यू में मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग, एरोज एंड एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए किस वर्ग का पता आरक्षित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ऑप्शंस आर क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास बी। गाइस, क्लासेस के बारे में अभी आपको पढ़ाया नहीं गया होगा तो मैं यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा एलिबरेट नहीं करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डीपली नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वो क्या होगा, क्लास सी। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ऑप्शन आर F1, F2, F3 एंड F4, ठीक है।
तो गाइस इसमें क्या करना है, हमें यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, हमें यूज करना है किसके लिए, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए। टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, F2, ठीक है, और F2 शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस मुक्त होता है, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस फ्री? गाइस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस फ्री नहीं हो सकता, यानी आपका फॉल्स वाला ऑप्शन सही होगा। भीम ऐप के का मकसद, 24 क्वेश्चन है, भीम ऐप का मकसद कैश के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। द पर्पस ऑफ भीम ऐप टू प्रमोट द यूज ऑफ कैश इन द कंट्री। गाइस भीम ऐप से आप क्या करते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, तो ये कैश को तो बढ़ावा दे ही दे रहा, ये आपका ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन उसको बढ़ावा दे रहा है, यानी आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 25th क्वेश्चन है आपका, लिंक्डइन निजी और सार्वजनिक दोनों मोड है, LinkedIn was both private and public modes. तो guys ये ऑप्शन आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है, आपका प्राइवेट और पब्लिक मोड दोनों अवेलेबल, ठीक है। गाइस आप यहाँ तक आ गए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक जब आप पहुंचे गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां जाइए और हमें हमसे जुड़िए, आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।